तो जिस तरह से चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई और उसके बाद ना केवल आम लोग बल्कि भारतीय सेना का भी मोराल हाई है। हमारे साथ भारतीय सेना से अनुराग जी मौजूद हैं। अनुराग जी, जिस तरह से आपने खुद देखा लाइव प्रसारण, कैसी फीलिंग रही हो, क्या कहेंगे आप? बहुत ही, मेरे तो जो है रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने इसको लाइव देखा। सॉफ्ट लैंडिंग 25 मीटर से लेकर के और 0 मीटर तक सॉफ्ट लैंडिंग हुई, बहुत ही जो है गौरवपूर्ण पल है, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने भी जैसे इसरो के जो है वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी, मेरी तरफ से भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे ही जो है आगे काम करते रहे, बहुत ही बढ़िया। देखिए, जो सेना में है वो बॉर्डर पर रहते हैं, राष्ट्रभक्ति तो वो जज्बा रहता ही है, आम जनता में जब आपने ये जोश देखा और साइंटिस्ट ने जो करिश्मा करके देखा, आपने कभी ऐसा सोचा था कि आम जनता में भी इस तरह का जोश देख सकता है? नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल जो है देखने के लिए आया था केवल लाइव, लेकिन यहाँ आकर के मुझे तो बहुत ही, मतलब भोपाल जैसे शहर में और एक छोटे बच्चे से लेकर हर एक नागरिक ने आज यहाँ पर यह दिखाया कि हमारे जो है एक एक जो है शरीर के अंग में देशभक्ति भरी हुई है और भारत माता की जय के लिए सभी ने अपनी बुलंद आवाज जो है निकाल करके उसको दिखाया। जिंदल जी भी पूरे कह सकते हैं गवाह रहे इस पूरे पल के, किस तरह की फीलिंग और क्या कहेंगे, फर्स्ट रिएक्शन? सर, मैं पहले सबसे पहले इसरो के साइंटिस्टों को सैल्यूट करना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में हमारा जो तिरंगा तो फहरा ही लड़ा है, पर उन्होंने आज उनकी दिन रात की मेहनत से हमारा जो तिरंगा मून पर, चंद्रमा पर लहराने में योगदान दिया है, उसके लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ उनको। और जैसे हम कहते हैं कि आप लोग तो वर्दीधारी हैं, यूनिफॉर्म में है, देशभक्ति छलकती है रग रग से, आम जनता में इस तरह की देशभक्ति, भारत माता की जय के नारे सुनकर कैसा महसूस होता है? बहुत ही सर प्राउड महसूस कर रहा है। हम यूनिफॉर्म में रह के तो कर ही रहे, पर लोगों का जो जोश देख रहे हैं, हम जो भारत माता के नारे लगा रहे हैं जयकारे के, तो उससे भी काफ़ी हमको गर्व महसूस हो रहा है। हमारे साइंटिस्टों को भी ये दिखाना चाहिए कि जो कितने जोश में हमारे जो देश के नागरिक। तो साइंटिस्ट ने जो किया उसका कह सकते हैं श्रेय तो उनको है ही, लेकिन देशवासियों का जज्बा और जोश बहुत हाई है। और ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं रीजनल साइंस सेंटर भोपाल से, जहां पर सीधा प्रसारण किया गया चंद्रयान 3 की लैंडिंग का, और ये ऐतिहासिक लम्हा, ऐतिहासिक पल, जिस पल के गवाह तमाम लोग बने। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, 12:24 भोपाल।